वहीं पंजाब के भटिंडा में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां चलाई गई। आखिर यह हंगामा क्यों हुआ है, आप देखिए इस रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। मामला इतना बड़ा कि उन्होंने अपना गुस्सा कुर्सियों पर निकाला। दरअसल पंजाब के भटिंडा में अकाली दल के एक कार्यक्रम में पार्टी की घोषित उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल आने वाली थी, लेकिन इसी को लेकर विवाद पैदा हो गया। देखते देखते कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट पड़े और नौबत कुर्सियां चलने तक पहुंच गई। हंगामे की खबर जैसे ही हरसिमरत कौर को मिली, उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। ये कार्यक्रम एक निजी रिसोर्ट में रखा गया था, जिसके कुछ वीडियो और फोटो सामने आए हैं, जिनमें पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हरसिमरत कौर अपने चुनाव प्रचार में जुटी हैं। भटिंडा लोकसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार सांसद हरसिमरत कौर बादल ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, उनके ससुर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की कमी उन्हें चुनाव के दौरान बहुत महसूस हो रही है। बापू बादल सिगे, बाबा बोर्ड सिगे पंजाब दे, 70 साल दी लंबी सेवा पंजाब।